भाई इंसिस्ट कर रहे हैं कि भाई परी वाली ब्रैकेट उतार दो। मैंने कहा यार परी वाली ब्रैकेट है, फिल वक्त तो घर पे है, मेहमान ठीक है, तो फिल वक्त नहीं उतार के दे सकता। ठीक है यार जी, नवा खाता खुल ये गया है कि भाई पैसे दे गए हैं। ठीक है ये ओपन कर दिए जी, बाकी आपको स्टोरी ये मैं दे दूंगा, एक बार फिर बताता हूँ सारी। ठीक है दे दिए जी ब्रैकेट सारे भाइयों को, रमजान मुबारक। ठीक है, और हमारे माशाल्लाह से सब्सक्राइबर भी 12K हो गए हैं, तो सब भाइयों का दिल से शुक्रिया, इसी तरह सपोर्ट करते रहो। अस्सलाम वालेकुम, पिंडाले हो, क्या है? ठीक हो? उम्मीद करते हैं सब भाई खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सारे भाई चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। आज का मेरी जान का टोटल सीन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको भाई है फुल तैयार, ठीक है, शादी पे जाने लगा हूँ, ठीक है, खाना खाने, ठीक है, क्या बढ़िया था गुरु। और परी की लाइट्स आपको पता है कि जल गई हैं या पता नहीं क्या सीन हुआ है, ठीक है, तो वो सारी सेट करवानी है। आज का ये है कि वो सारा कवर अप करते हैं, ठीक है, और एक और न्यू फनकारी करनी है, तो वो सारा सीन आज आपको दिखाएंगे, ठीक है, मॉडिफिकेशन वगैरह भी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फुल आपका भाई है तैयार, चलते हैं फटाफट शादी पे। पीछे शोर भी आ रहा है, इग्नोर मारो, ठीक है, वहां जाके ये है कि वहां से फ्री होके फिर अगला सीन आपको दिखाएंगे, ठीक है। A few moments later. एग्जाम चेक करो, एक तो आवाम इस तरह टूट के पड़ी है कि क्या ही बताऊं, ठीक है, बाकी अगला सीन घर जाकर। A few moments later. अच्छा जी मेरी जान के टोटो, शादी वगैरह से वापस आ गए हैं और अभी ये है कि ये भाई आए हैं, ठीक है, इनको देना था मैंने एग्जास्ट, ठीक है, ये तकरीबन भाई ने पेमेंट हाफ कर दी थी, ठीक है, डेढ़ महीना पहले, ठीक है, और अभी आए हैं, मैंने कहा कोई चक्कर नहीं है, तो अभी बकाया पेमेंट सारी भाई ने कर दिया। भाई इंसिस्ट कर रहे हैं कि भाई परी वाली ब्रैकेट उतार दो। मैंने कहा यार परी वाली ब्रैकेट है, फिल वक्त तो घर पे है, मेहमान ठीक है, तो फिल वक्त नहीं उतार के दे सकता, ठीक है, तो आए भी काफ़ी दूर से हैं भाई और कह रहे हैं नहीं अभी उतार के दो, तो वो तो सीन है, मुश्किल है। बाद में ये है कि पता, सुनो मेरी बात सुनो, बाद में ये है कि आप आधे रास्ते तक आ जाना, आधे रास्ते तक मैं आ जाऊँगा, चक्कर नहीं है, ठीक है, अगर मेरा चक्कर लगा मैं आपके उधर ही दे दूंगा, कोई चक्कर नहीं है, या डिलीवरी करवा दूंगा, क्योंकि उतारनी आपको पता है कितनी फिटिंग अजाब कितना ज़्यादा है उस पर, हैं आपके सामने ही है। तो ये भाई हैं, ठीक है, ये काफ़ी दूर से आए हैं, तो ये इनके हवाले कर दिया मैंने, अभी चलते हैं घर, और ब्रैकेट का इंशाल्लाह मैं ना आपको बताता हूँ क्या करना है, ठीक है, तो कोशिश करता हूँ अगर सीन गैस हुआ तो उतार के दे दूँगा, कोई दिक्कत, ठीक है। ये राजी नवा खाता खुल ये गया है कि भाई पैसे दे गए हैं, ठीक है, तो कहते हैं भाई अगर तो देनी है तो बताओ, अभी ले जाते हैं, अभी खोल के। मैंने कहा यार जी इस टाइम नहीं, तो बताता हूँ घर जाके, तो पैसे जबरदस्ती पकड़ा गए हैं, ठीक है, तो घर जाके आपको सीन अगला दिखाते हैं। The next morning. ये बाइक है और इसकी जो ब्रैकेट है ये भी भाई खड़े हैं, ठीक है, मेरे घर के पास ही, ठीक है, वेट कर रहे हैं, इग्नोर करो बैकग्राउंड वॉइस को, ठीक है, और ये जल्दी जल्दी ओपन करते हैं हम। ये लो जी बच गई है, और ये खोलते हैं, ठीक है, और देते हैं, कसम से थोड़ा क्या मैं बोलूं, बहरहाल खोलते हैं। ये ओपन कर दिए जी, बाकी आपको स्टोरी ये मैं दे दूंगा, एक बार फिर बताता हूँ सारी, ठीक है, ये चेक कर लो, अभी इस पे कपड़ा शपड़ा भी लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा जी स्टोरी ये है, ठीक है, कि भाई को ब्रैकेट वगैरह मैंने खोल के दिया, भाई ने कहा जी फारा छो, भाई खड़े हैं, भाई किया मैंने करवाया है, तो आप ये है कि दे दो, ठीक है, घर थे गेस्ट वगैरह थे, जल्दी जल्दी मैंने ओपन की आपके सामने, ठीक है, चीज़ें इधर उधर फेंकी, दस्ती ओपन की, आधी रात को गया, तकरीबन 11-12 का टाइम था, ठीक है, उधर गया फवारा चौक, तो वो जी फवारा चौक खड़ा है, क्या कहते हैं, राजा बाजार वाले, कसम से मेरा दिमाग बड़ा आउट हुआ, मैंने बड़ा कंट्रोल किया, मैंने क्या होल्ड डाउन अब मैं क्या कहूँ भाई आगे, तो मैंने कहा यार कसम से जलील तो बहुत हो गया हूँ, मेरा बड़ा दिमाग ख़राब हो गया, ठीक है, तबीयत भी सेट नहीं थी, बहरहाल अब भाई आएंगे सुबह, ठीक है, अभी मैं लगाऊँ सोने। अच्छा जी मेरी जान का टोटो, इतनी गंदी फटीक डली हुई है कि ये भी ब्रैकेट पकड़ी है और बाइक भी नहीं है मेरा साथ, आपको पता लात का भी मसला है, मैंने चेक करवाया, तो अभी उधर से डॉक्टर से ही आ रहा हूँ, अभी ये बाइक को देते हैं, उतार शुतार लिए, ठीक है, और इधर ही कार के पास ही बुला लिया, ठीक है, तो ये कसम से इस ब्रैकेट के लिए इतना मैं जलील हूँ और रात को तो कोई हाथ से ज़्यादा हुआ, बहरहाल चलो पैदल चलते हैं, अभी लात का भी मसला है, ये पट्टी वगैरह मैंने बांधी हुई है, ठीक है, तो जाते हैं जाके जी बाइक को दें,
ये जो अजाब है ये तो एक बारी गले से उतारें, ठीक है, फिर आके ना आपको डिटेल में सारी बता दूँ। दे दिए जी ब्रैकेट। अभी मेरी आपको पता लात का भी मसला, ये देखो ऑयल वगैरह लगा हुआ है। तो अभी चलते हैं घर और आगे देखते हैं क्या करना है। अभी अभी घर में इतने काम है, यकीन करो कसम से, की तो गलती है मैंने, लेकिन चलो कोई नहीं, खैर है। अभी पहुंचते हैं घर, देखते हैं क्या करें। बाइक का, बाइक अभी खुला ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी मॉडिफिकेशन मैंने स्टार्ट करनी थी। तो चलो अभी दिखाते हैं आपको क्या करना है, ठीक है। ब्रैकेट तो अभी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि काफ़ी भाई ये कह रहे थे कि ब्रैकेट वगैरह दोबारा जेन्युइन लुक करो आप, तो करते हैं जेन्युइन लुक मडगार्ड वाली, ठीक है। तो आपको आप मडगार्ड वाली लुक चेक करवाते हैं, और जो ब्रैकेट है वो अभी नहीं लगाते, ठीक है। और फनकारी जो मारनी है अभी काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन की, वो भी सारी आपको ना दिखाते हैं। The next morning. अच्छा जी पिंड वालों, अभी का ये सीन है कि परी मैंने निकाल लिया बैर, ठीक है, इसे वाश वगैरह सारा किया है, ये कंडीशन इसकी चेक कर लो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज है रोज़ा, ठीक है, सारे भाइयों को रमज़ान मुबारक, ठीक है, और हमारे माशाल्लाह से सब्सक्राइबर भी 12K हो गए हैं, तो सब भाइयों का दिल से शुक्रिया, इसी तरह सपोर्ट करते रहो। तबीयत मेरी काफ़ी ख़राब है, जिसकी वजह से ये है कि ब्लॉग काफ़ी लेट हुआ है, और आज ये है कि रोज़ा बड़ी मुश्किलों से मैंने रखा है, ठीक है, वो ये तो मैं छोड़ता नहीं हूँ, जो मर्ज़ी हो जाए। तो अभी का सीन ये है कि यहीं से मैं ब्लॉग न्यू शुरू करूँगा, अफ्तारी के बाद जाके, ये है कि काफ़ी भैयों का ऑर्डर है चीज़ों का, तो वो लेके आना है, ठीक है। और ब्रैकेट का ये सीन है कि मैं कह रहा हूँ ब्रैकेट भी इसकी परचेज़ कर लेते हैं, और लगाना ये है कि HKS उतार के ना कट मोटर गार्ड लगा देते हैं इसे। तो ये तो अभी जाएंगे शॉप पे, तो देखते हैं क्या निज़ाम बनता है। HKS का तो आपको पता है कि माशाल्लाह ज़बरदस्त बना हुआ है, बाकी इसकी लाइट्स वगैरह भी आपको पता है कि चेक करवानी है मैंने, ऑन नहीं हो रही, पता नहीं क्या चेक कर रही है। देखो ये शॉपर से ऊपर चढ़ा के ना इसके मैंने ये है कि वाश वगैरह किया, और ये बाइक खड़ा है हमारा दूसरा, ठीक है, इसी पे। अभी एक और सीन ये है कि मेरा दिल है कि इसको ना इसी तरह खुला रखता हूँ, ठीक है, चीज़ें वगैरह इसकी ले आता हूँ बाइक की सारी, ठीक है, A to Z सारी चीज़ें वगैरह ले आते हैं, और मतलब कि ब्रैकेट वगैरह, और इसका जो रिम वगैरह का काम करवाना है, तो वो भी आपको पता है फनकारी न्यू मारनी है, तो ताकि साथ साथ ही करते रहें, या देखता हूँ अफ्तारी के बाद क्या सीन है। ब्रैकेट तो इसकी ले आऊँगा, तो यहीं से ब्लॉग स्टार्ट करके जाऊँगा। तो दो में भाई को याद रखना, ठीक है, सब भाइयों को रमज़ान मुबारक। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। भाई के चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक। थोड़ी तबीयत काफ़ी ख़राब है, ठीक है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी मेरी, ठीक है, आज सुबह जब मैंने रोज़ा रखा, लेकिन यह है कि आपको पता है रोज़े मैं पूरे ही रखता हूँ, जो मर्ज़ी हो जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दो में भाई को याद रखना, भाई को दो इजाज़त, ओके, हाफिज़।